दुबई में संदिग्ध मौत से पहले श्रीदेवी के 240 करोड़ के बीमे की मिस्ट्री। चांदनी की मौत का अनसुना राज। बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है। एक कहानी खत्म नहीं होती कि कोई नया खुलासा हो जाता है, और अब श्रीदेवी की रहस्यमय मौत से जुड़ी एक और नई कहानी सामने आई है। पहली बार सामने आया है चांदनी की मौत से जुड़ा एक अनसुना राज। दुबई के एक होटल के बाथरूम में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी श्रीदेवी। मशहूर फिल्म स्टार श्रीदेवी की रहस्यमय मौत के बाद कई कहानियां सामने आईं। मौत की कई थ्योरी आपने सुनी, लेकिन आज सुनिए श्रीदेवी की मौत का अनसुना राज। वो राज जो श्रीदेवी की मौत के करीब 2.5 महीने बाद दुनिया के सामने आया है। वो राज जिसके सामने आते ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया श्रीदेवी की मौत का मामला। विश्वास नहीं कर पा रहे कि 1.5 फुट पानी में कोई डूब सकता है। बड़ा ही दुखद है ये सोच पाना कि 1.5 फुट पानी में एक स्वस्थ श्रीदेवी जी डूब सकती हैं। बड़ा मतलब अनबिलीवेबल है जो कहना तो, और काफ़ी उसमें सस्पिशियस क्वेश्चन भी हैं। 48 घंटे एक इतनी बड़ी अभिनेत्री को अकेले कमरे में रहना, और वो भी जब कभी रही नहीं, कोई नहीं रह सकता अकेले स्वीट रूम में अकेले 48 घंटे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कहीं ना कहीं लगा रहा है। फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत को संदिग्ध बताकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले इस शख्स का नाम सुनील सिंह है। पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह ने श्रीदेवी की मौत की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की थी। इस PIL का मकसद था श्रीदेवी की मौत की जांच कराना। PIL में कई दलीलें दी गई थी, और सबसे चौंकाने वाली दलील ये थी कि दुबई में रहस्यमय मौत से कुछ वक्त पहले ही श्रीदेवी का एक बीमा कराया गया था। PIL के मुताबिक श्रीदेवी का बीमा ओमान में हुआ था, और ये बीमा था पूरे 240 करोड़ का। फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह ने सवाल उठाया था कि ओमान में श्रीदेवी के 240 करोड़ के बीमे का पूरा सच क्या है। सवाल यह भी उठाया गया था कि 240 करोड़ के बीमे और दुबई में श्रीदेवी की संदिग्ध मौत के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं था। ओमान में श्रीदेवी के 240 करोड़ के बीमे की मिस्ट्री और दुबई में संदिग्ध मौत की इस नई कहानी से एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर सुनवाई शुरू कर दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत पर शुरू हो गई कानूनी लड़ाई। फिल्म डायरेक्टर ने PIL में दलील दी थी कि श्रीदेवी की मौत का केस इतना सीधा और सपाट नहीं था जितना कि उसे दुबई में साबित कर दिया गया। PIL में दावा किया गया था कि दुबई पुलिस की जांच में शुरू से लेकर आखिर तक झोल ही झोल थे। फॉरेंसिक जांच तो उसकी हुई ही नहीं है। इनफैक्ट वो रूम जिसमें 2201 जो कमरा था जो मेरा था मेरा टॉवर का, वो सील भी नहीं किया गया। जब तक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस नहीं निकला, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन पर केस नहीं गया, वो कमरा भी सील नहीं किया गया, तो फॉरेंसिक जांच भी वहां पर नहीं हुई। तो बेसिकली कई चीज हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई। फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह की PIL में कहीं ना कहीं ये शक जताया गया था कि श्रीदेवी की जिस रहस्यमयी मौत को
सभी हादसा समझ रहे हैं, वो कहीं हत्या तो नहीं थी। शक ये भी जताया गया था कि कहीं हत्या के पीछे श्रीदेवी के 240 करोड़ के बीमे की रकम तो नहीं थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शक की ये तमाम कहानियां हवा में उड़ गईं। श्रीदेवी की मौत की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी दलीलें पेश की गईं, वो एक भी दलील टिक नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।